बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वैश्व महासम्मेलन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। वैश्व महासम्मेलन युवकारी के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर एकता और अहिंसा की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए चार पहिया वाहन महारैली आयोजित की जा रही है और इस मौके पर चार पहिया वाहन के 2000 वाहन सम्मिलित होंगे और यह रैली 2 अक्टूबर को SAF ग्राउंड से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। क्या कार्यक्रम है आज की पत्रकार वार्ता के? हम 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष की तरह हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में वैश्व महासम्मेलन रैली का आयोजन करता है। इसी क्रम में ग्वालियर में हम लोग रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 12 बजे SAF ग्राउंड से प्रारंभ होगी, जो नया बजार, डाल बजार, माने हाईकोर्ट, दौलतगंज, बाड़ा, सराफा, फालका बाजार, सिंधी की छावनी होते हुए फूलबाग ग्राउंड पे गांधी जी की मतवा पर फूलनापड़ करके रैली का समापन करेगी। इस रैली का मूल उद्देश्य हमारा जो है वैश्विक एकता प्रदर्शन करना है एवं स्वच्छता और